जरा सोचो, अम्मी सुमन में कहां जाएंगी, उनका मेरे सिवा है कौन? फजूल में अपना वक्त जाया कर रहे हो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है तो मैं काम करो, तुम अपनी माँ के साथ रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे यहां रहने से मसला है ना, तो ठीक है मैं जा रही हूँ ये घर छोड़। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं से मना लूंगा, ये भी कहीं नहीं जाएगी। हरगिज नहीं। अरे तुम चुप रहो ना यार, चुप हो जाओ। बेटा बेटा मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से जा रही हूं। हरेमन तुम मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बताना चाहती हूं कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे मालूम होता कि कसास सिर्फ मुझे मिलेगा तो मैं वही कुछ मांगती जो तुम चाहती हो। आप क्यों बोल रही है ये सब? तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रही कि तुम अपना फैसला बदल लो। बेटा मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि अपनी औलाद की नस्ल मुझे मुझे बहुत अजीज है। बस तुम लोग सारी जिंदगी हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हो सके तो मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लेना। अम्मी अम्मी, अम्मी 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 नहीं अम्मी नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी अम्मी, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर एमन ने जाना है ना तो भले चली जाए, आप यहीं रहेंगी अम्मी, आप नहीं जाएंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ जो तुम्हारा घर खराब करूं। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एमन जिद की कितनी पक्की है। अरे अम्मी मुझे उसकी परवाह नहीं है, बस मैं आपके पैर पकड़ता हूँ अम्मी, आप यहाँ से नहीं जाएंगी। परवाह करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्चे का होगा, और वो मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारे पैरों में मजबूरी की बेड़ियां हैं बेटा, इनसे निकल नहीं सकोगे तुम। तुम जाओ अपने बीबी बच्चे को संभालो, रही मेरी बात तो मेरा अल्लाह ने के पास जाओ। अम्मी अम्मी नहीं, अम्मी अम्मी बच जाए, अम्मी अम्मी बच जाए, अम्मी